नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी डॉट कॉम। बढ़ते हैं इस वक्त की पांच बड़ी खबरों की तरफ। दिल्ली के मुंडका में आग से 27 लोगों की मौत, अरविंद केजरीवाल आज घटना स्थल का करेंगे दौरा। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका इलाके में शुक्रवार को लगी आग पूरी तरह से बुझ चुकी है। आपको बता दें, आग के इस भीषण हादसे में 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। घायलों का दिल्ली के कई अस्पतालों में इलाज चल रहा है, इनमें से कुछ के हालात काफी गंभीर स्थिति में हैं। वहीं इस दर्दनाक हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पहली बार अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रूस से की बातचीत, तत्काल युद्ध विराम का किया आग्रह। 24 फरवरी को यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका की ओर से पहली बार रूस के आधिकारिक वार्ता की गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री लायर्ड ऑस्टिन ने शुक्रवार को टेलीफोन से अपने रूसी समक्ष सरगई शोगई से बात की। इस जानकारी की अहम सूचना रक्षा मंत्रालय पेंटागन द्वारा दी गई है। एमपी गुना में काले हिरण के शिकारियों ने मचाया कत्लेआम, एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी को भून डाला। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस और काले हिरण के शिकारियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें से 3 पुलिसकर्मियों की फिलहाल मौत हो गई है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक मृतकों में एसआई राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और साथ ही साथ आरक्षक संत राम शामिल हैं। बदमाश काले हिरण को मार कर ले जा रहे थे। घटना शुक्रवार देर रात की है। इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर सुबह 9:30 बजे बैठक की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देशों के 7 दिवसीय यात्रा के लिए हुए रवाना। भारत के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये होने वाली है पहली यात्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी पत्नी सविता कोविंद के साथ जमैका और सेंट विंसेंट और साथ ही साथ ग्रेडाइंस के 7 दिवसीय यात्रा के लिए आज रवाना हो गए हैं। राष्ट्रपति 15 से 21 मई तक इन दोनों देशों की यात्रा के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ ही राष्ट्रपति कोविंद भारत के ऐसे पहले राष्ट्र अध्यक्ष बन गए हैं जो इन देशों की यात्रा कर रहे हैं। मेघालय में भारी बारिश से 2 की मौत। दिल्ली एनसीआर में आज भी चलेगी लू। 27 मई तक दस्तक देगा मानसून। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का जीवन रेखा माने जाने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून समय से 5 दिन पहले 27 मई तक केरल में वर्षा की पहली फुहार ला सकता है। आपको बता दें, केरल में मानसून का आगमन आमतौर पर जून में होता है। भारत मानसून विभाग का मानना है कि इस साल केरल में दक्षिण पूर्वी मानसून का आगमन समय से पहले हो सकता है। केरल में मानसून 27 मई को दस्तक दे सकता है और इस तारीख के 4 दिन आगे पीछे होने का भी अनुमान जताया जा रहा है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ही ताजा तमाम बड़ी अपडेट से हमेशा वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए punjabkesari.com।